देखिए कितने अच्छे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं, खोया गुजिया, मावा गुजिया। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे खोया गुजिया, मावा गुजिया, खोवा की गुजिया, खोवा की करंजी, जो भी कहिए, बहुत अच्छे गुजिया बनकर तैयार होंगे। सारी टिप्स बताऊँगी मैं आपको कैसे आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं खोया गुजिया। खोया गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम गुजिया के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने मैदा लिया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर मिला लेते हैं। मोयन लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे गुजिया के लिए। गुजिया के लिए हमें आटा सख्त लगाना है, जैसे हम रोटी पूड़ियों के लिए लगाते हैं, उससे थोड़ा सख्त ही लगाएंगे। अगर हम ढीला आटा लगाकर तैयार करेंगे तो गुजिया अच्छी तरह से बनेंगे नहीं, शेप अच्छी तरह से नहीं आएगा। देखिए मोयन लगा लिया हमने, अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते हैं और आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए आटा लगाकर तैयार कर लिया हमने, गूंथ लिया आटे को। तो अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से ढककर रख देते हैं। जब तक आटा सेट हो रहा है हम स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी। घी गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने काजू बादाम और मूंगफली को इस तरह से दरदरा कर लिया है, टुकड़ों में कर लिया है। इसे डालकर घी में फ्राई कर लेना है। आप चाहे तो इसका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं या इस तरह से टुकड़ों में करके भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। देखिए फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। सेम पैन में थोड़ा घी और डालेंगे और अब हम सूजी को रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे सूजी को। ये हमने एक कटोरी सूजी लिया है, इसे भून लेते हैं। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए तब तक भूनेंगे इसे। जब तक कि डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक भूनना है। इस तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए सूजी को भून लिया हमने, इसका कलर देखिए चेंज हो गया है, हल्का डार्क हो गया इसका कलर। अच्छी तरह से सूजी भून चुकी है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें खोया मिलाएंगे। अगर आप खोया मार्केट का लेकर आए हैं तो आप खोया को भी भून लीजिए। हम घर का बना खोया यूज़ कर रहे हैं, होममेड खोया है, हमने घर पर बनाकर तैयार किया है, तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। सूजी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं इसे। सेम पैन में थोड़ा घी और डालेंगे। हम किशमिश फ्राई करना भूल गए थे, किशमिश फ्राई कर लेंगे इसमें। ये हमने किशमिश लिया है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी किशमिश फूल चुकी है, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है ये भी। इसे भी ज़्यादा समय नहीं लगता फ्राई करने में, तो निकाल लेते हैं इसे भी, निकाल लेते हैं। देखिए सूजी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने खोया लिया है, ये घर का बना हुआ खोया है, हमने घर पर बनाकर तैयार किया है, इसलिए इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। डाल लेते हैं इसे। अगर आप मार्केट वाला खोया यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले उसे भून लीजिए, क्योंकि मार्केट वाले खोए की कोई गारंटी नहीं होती, उसके प्योरिटी की गारंटी नहीं होती, मिलावट होती है उसमें, इसलिए उसे भूनना ज़रूरी है, नहीं तो वो नुकसान करेगा खाने के बाद। साथ में डालेंगे ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे हैं, इन्हें डाल लेते हैं। इलायची पाउडर, अब डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए, जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेना है सारी चीज़ों को। देखिए मिला लिया सारी चीज़ों को अच्छी तरह से, स्टफिंग बनकर तैयार है। तो चलिए अब गुजिया बनाते हैं। चलिए आटा को चेक करते हैं, आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे थोड़ा और मसल लेंगे ऐसे। देखिए मसल लिया, अब इसे छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेंगे और इस तरह से करके देखिए ऐसे गोल गोल से पेड़े बना लेते हैं इसके। देखिए इतने पेड़े बना लिए हमने, इसे रखते हैं साइड में। चकला ले लिया, साथ में मैदा ले लेंगे, इसमें लोइयों को डिप करके हम कवर बनाएंगे। यहाँ से लोई लेंगे, मैदे में डिप करेंगे और अब इसके गोल गोल से पूड़ियों जैसे बेल लेते हैं। आटे में डिप करते जाएंगे और इसकी पूड़ियाँ जैसी बेल लेंगे। देखिए इस तरह से गोल गोल सी पूड़ियाँ बेल लेना है, रख लेंगे इसे और सारी पूड़ियाँ ऐसे ही बेल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए इतनी सीट बनाकर तैयार कर ली गुजिया के लिए, तो चलिए गुजिया बनाते हैं। देखिए गुजिया मोड़ ले लिया, इस पर एक कवर रखेंगे इस तरह से, ऐसे करके स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से इसमें स्टफिंग डालेंगे
अब इसके किनारों पर इस तरह से पानी लगा लेंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरह से और इसकी स्टफिंग बाहर ना आए जब हम इसे फ्राई करें। और बस इस तरह से लेकर मोड़ देना है, अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से दबा देना है इसे ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। और इसके किनारों को, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे निकाल लेंगे ऐसे करके। अब इसे इस तरह से थोड़ा प्लेन कर देंगे ताकि ये बाहर से अच्छी तरह से प्लेन हो जाए। और बस अब निकाल लेना है इसे इस तरह से। देखिए बन गया गुजिया, देखिए अब कितना अच्छा गुजिया बनकर तैयार हुआ है। रख लेते हैं इसे और सारे गुजिया इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाकर रखते जाएंगे और एक साफ कपड़े से इसे इस तरह से ढक देंगे, बनाते जाएंगे और इस तरह से ढक कर रखते जाएंगे ताकि जो इसके कवर है वो सूखे नहीं। अगर इसके कवर सूख जाएंगे तो गुजिया फट जाएंगे और इसकी फिलिंग बाहर आ जाएगी, इसलिए इस तरह से ढकते जाएंगे। तो देखिए इतनी गुजिया बनाकर तैयार कर ली हमने। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। देखिए तेल गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म है, गुजिया डालकर फ्राई कर लेंगे। डाल लेते हैं, डाल दिया। एक तरफ से सिक जाए तब हम इन्हें पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा पलटना नहीं है, बस एक बार इस तरह से पलट लेंगे। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएंगे तब दूसरी तरफ से पलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है ऐसे करके। अगर इन्हें आप ज़्यादा अलट पलट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए ज़्यादा अलट पलट नहीं करिए, बस सेक लेते हैं इन्हें। देखिए कितने अच्छे गुजिया बने हैं, तेल में जाने के बाद टूटे नहीं हैं, स्टफिंग बाहर नहीं आई है, खुले नहीं हैं। कुछ बातों का ध्यान रखिए आप, बहुत अच्छे गुजिया बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए गुजिया फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। देखिए अब कितने अच्छे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और सारे गुजिया इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बाकी के गुजिया भी इसी तरह से डालकर फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे होली स्पेशल खोया गुजिया बनकर तैयार है। देखिए आप कितने अच्छे खोया गुजिया बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए आप कितने अच्छे गुजिया बने हैं, एक भी गुजिया से स्टफिंग बाहर नहीं आई है, बहुत अच्छे गुजिया बनकर तैयार हुए हैं। तो खोया गुजिया का ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली।